गाइस दिस इज़ मी योर होस्ट सैयद काज़िम आदरीज़ी फ्रॉम द हाउस ऑफ अमीर आदमी। आज मैं लाया हूँ आपको बैरिया के फार्म हाउसेज दिखाने। मेरे इस तरफ हर तरफ खूबसूरत से एक एकड़, डेढ़ एकड़, दो एकड़ के आलिशान फार्म हाउसेज हैं। मैं आज आपको इनकी प्राइसेस बताता हूँ। ये एक फार्म हाउस का प्लॉट कम से कम भी 10-10 करोड़ से ऊपर का एक्सीड कर गया है। एक टाइम पे बड़ा सस्ता होता था, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि इस चीज़ को लेके आप इसके अंदर क्या बना सकते हैं अगर आप एक प्रॉपर खूबसूरत लिविंग चाहते हैं। ये जो अब मैं आपको फार्म हाउस दिखा रहा हूँ, ये व्यूज़ के लिए तो बहुत अच्छे हैं कि आपको खूबसूरत तरीन घर नज़र आ जाएं, लेकिन इसमें मैं आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाऊँगा क्योंकि ये काफ़ी महंगे हो गए हैं और ऑब्वियसली आउट ऑफ द रीच और फ्रॉम द नॉर्मल पीपल हो चुके हैं। तो ऑप्शन एक ये है कि 68 लाख टोटल प्राइस का, जिसमें 25 लाख रुपये आपको अभी देने हैं और रिमेनिंग 43 लाख आपको 1.5 साल की किस्तों में देने हैं। ये कमांडर सिटी के अंदर फार्म हाउसेज आए हुए हैं, सेम साइज़ के फार्म हाउस हैं, आधे एकड़ के, उसी तरह के जिस तरह के DHA और बैरिया में, लेकिन DHA और बैरिया क्योंकि पहले के बने हुए हैं, एक बिग ब्रांड्स हैं तो वो महंगे हो गए हैं। बैरिया का फार्म हाउस 12 करोड़ से ऊपर का, DHA का 8-10 करोड़ से ऊपर का, और यही फार्म हाउस किस्तों पे 68 लाख का हम आपको दे रहे हैं। और यकीन करें फार्म हाउस इतने खूबसूरत है, ये मैं आपको विजुअल्स में बैरिया के भी फार्म हाउसेज दिखा रहा हूँ, आपको कमांडर सिटी के भी फार्म हाउसेज दिखा रहा हूँ। बैरिया के फार्म हाउसेज पे अच्छा इकोसिस्टम होता है क्योंकि ग्रीनरी ज़्यादा होती है, बिग प्लॉट्स होते हैं, खूबसूरत तरीन बर्ड्स यहाँ पे देखने को मिलती है, फ्लेमिंगो वगैरह माइग्रेटरी बर्ड्स होती है क्योंकि इनको वो इकोसिस्टम यहाँ पे मिलता है। तो अगर आप चाहते हैं फ्यूचर में एक अपना बिग परचेज ऑफ लैंड करना चाह रहे हैं अभी, जो कि फ्यूचर में आपको आज से 10 साल 5 साल बाद एक काफ़ी रकम दे के जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आप एक ही लाइफ टाइम में 1980 में DHA का प्लॉट ले लेते 2000 गज का, वो आपको मिल जाता 20,000 का। ये पॉइंट आप समझें, 1980 में अगर आप प्लॉट लेते 20,000 का, 2000 गज DHA का, वो आपको मिल जाता, और एक ही लाइफ टाइम पे 2020 में 40 साल बाद वही प्लॉट 20,000 से उठ के 20 करोड़ का हो गया होता है। तो उसका थ्रेशहोल्ड नहीं होता, जितना बड़ा परचेज ऑफ लैंड होता है उसका थ्रेशहोल्ड उतना ऊपर होता है, उसमें उतनी बढ़ने की इस्तेमाल होती है। 125 गज 20 करोड़ का नहीं जाएगा, 5-10 करोड़ का नहीं जाएगा, लेकिन 2000 गज बिल्कुल जाएगा और अब आसानी चला जाएगा। तो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। हमारे पास बिल्कुल ही आखिरी यूनिट बचे हुए हैं रिमेनिंग फार्म हाउस के, सारे सोल्ड आउट हो चुके हैं। ओवरसीज़ का सबसे ज़्यादा रुझान हमें मिला है इसमें, तो डू कॉल अस और विज़िट के लिए डेडिकेटेड स्लॉट पे अपना अपॉइंटमेंट ज़रूर बुक करवाएगा।